फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ओडिशा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नोकिया की न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि नोकिया 823 फोन के बारे में। तो दोस्तों उस फोन में आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये नोकिया की पहली फोन है जिसमें आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उस फोन के बारे में। तो दोस्तों 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ इसमें आपको देखने को मिल सकता है 45 mAh की बैटरी, उसके साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है 8GB रैम और 128GB रोम। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उस फोन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले से आ जाएगा। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले शुरू करते हैं उस फ़ोन की कलर की। दोस्तों ये फ़ोन आपका आने वाला है पोलर नाइट कलर में जिसमें आपको देखने को मिलेगा 12 mode 5G। दोस्तों चलिए बात करें उस फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों अगर हम बात करें उस फोन की डिस्प्ले की तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.81 inches का डिस्प्ले जहाँ पर आपको फुल HD देखने को मिलेगा इस डिस्प्ले में। तो दोस्तों उसके साथ साथ आपको साइड पंचल नॉच भी देखने को मिलेगा इस डिस्प्ले में। दोस्तों चलिए बात करें उसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो दोस्तों रियलमी 6 और 6 Pro की जैसा इस फोन में भी आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस फोन की रैम और रोम की। तो दोस्तों नोकिया 8.3 में आपको देखने को मिलेगा 8GB रैम और 128GB रोम। तो दोस्तों इसमें आप एक्सपेंडेबल मेमोरी यूज़ कर सकते हैं 400GB तक। दोस्तों चलिए बात करते हैं उस फ़ोन की बैटरी की। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 45 mAh की बैटरी, यहाँ पर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग भी इस फ़ोन में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस फ़ोन की कैमरे की। तो दोस्तों नोकिया की कैमरा आपको तो पता ही होगा कि नोकिया की कैमरा पहले से ही मस्त आती है। तो दोस्तों यहाँ पर नोकिया ने जो कैमरा रखा है यहाँ पर क्लियर साइड में आपको देखने को मिल सकता है 64 MP का कैमरा जिसमें आपको बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा इस फोन में। उसके साथ साथ आपको फ्रंट साइड में देखने को मिलेगा 24 MP का सेल्फी कैमरा जो कि 5 और 9 में आपको दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें हम उसकी प्रोसेसर की तो दोस्तों यहाँ पर आपको नोकिया 8.3 में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 765 का प्रोसेसर जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोकिया 8.3 में। तो दोस्तों उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा विद आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। और उसका प्राइस क्या होने वाला है अभी तक कुछ भी पता नहीं है, ना ही नोकिया की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये फ़ोन जैसे ही आ जाएगा हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों नीचे कमेंट करके फोन की किस किस को इंतजार है।